हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है वाटर मीटर। इसके बारे में कुछ नॉलेज देंगे, कुछ जानकारी देंगे कि बिल्डिंग के अंदर वाटर मीटर कैसे लगा हुआ है और इसका क्या रोल है। इसके बारे में सारे डिटेल देंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल होगा। पहले हम बात करेंगे इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पर 32 रूम है, 32 रूम है। कॉरिडोर में आप देख सकते हैं 32 रूम के सेपरेट जो है वाटर मीटर है और इलेक्ट्रिक का उसका मीटर भी अलग है। इलेक्ट्रिक का मीटर अलग है, उसको भी वीडियो में दिखाएंगे। पहले आप वाटर मीटर देख लीजिए कैसे है, वो लगा हुआ है। और ये म्यूनसिपालिटी जो है उसका प्रॉपर्टी है, सेपरेट लाइन और सेपरेट रूम में आप नंबरिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इस फ्लोर में टोटल 32 रूम है। जैसे इसका लाइन देखिए 2, 4, 6, 8, 10 सेपरेट इस केबिन में लगा हुआ है। और इसका ये गेज है कितना प्रेशर में पानी रूम के अंदर जा रहा है, सब रीडिंग हो रहा है। और दूसरा केबिन की हम बात करेंगे, दूसरा केबिन ये है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 पीस यहाँ पर है, ये भी सेपरेट है। तो 10 प्लस 11 टोटल 21 हो गया। फ्लोर पर टोटल 32 रूम है। सेम वर्क, सेम सब कुछ इसमें है, इसको कोई टच नहीं कर सकता है सिवाय म्यूनसिपालिटी के। म्यूनसिपालिटी आएंगे, अपना चाबी घुमाएंगे, देखेंगे इसमें रीडिंग कितना हुआ है, कौन सा रूम में कितना रीडिंग हुआ है, वाटर का कितना खर्च हुआ है, उसका बिल बनाएंगे। फ्रेंड, तीसरा केबिन ये है, कैबिनेट ये है, वाटर मीटर इसमें रखा हुआ है जिसमें लाइन है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सेम पर्सन इसमें भी है, इसमें भी 11 है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 लाइन इसमें है। हर रूम का सेपरेट है वाटर मीटर। कुछ एक्स्ट्रा पानी होगा तो इस ड्रेन से नीचे गिर जाएगा, कोई लीकेज वगैरह पाइप में हुआ इस ड्रेन से नीचे गिर जाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मीटर का, जो वो भी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, किस तरह से लगा हुआ है सेपरेट, उसके बारे में कुछ डिटेल दे देते हैं। यहाँ पर ये मीटर का सिस्टम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, ये भी नंबर वाइज लगा हुआ है, ये भी सब सेपरेट है। इसमें 17 सेपरेट मीटर है इलेक्ट्रिक का, रीडिंग बताएगा, कोई चेक नहीं कर सकता इसको। एक बार दूर से देख लीजिए, और दूसरा मीटर ये है,
टोटल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। वो लोग आएगा, अपना रीडिंग देखेगा और उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक का बिल, वाटर का बिल जो भी होगा निकाल करके, जिस रूम में जितना बिल होगा उतना ही देखिए। इससे एग्जांपल देखिए, ये 209 210 208 207 नंबर वाइज, रूम का नंबर वाइज है। जिस तरह से पानी का नंबर लगा हुआ है उस तरह से मीटर का भी नंबर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वाटर का और इलेक्ट्रिक का। ऐसे बिल आप यूज इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप सामान इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से बिल भी आएगा। फ्रेंड, इस वीडियो में इतनी जानकारी देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिलती रहे। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।